स्तोत्रंगर्थावे स्तोत्रं 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 नाथा स्तोत्रं 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 स्तुति हो तेरी 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 स्तुति 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 अति ऊंचाई में तेरी स्तुति हो 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 सियोल की चोटी पर से तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति सर्वशक्तिमान यहोवा तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी प्रशंसा हो तेरी प्रशंसा हो तेरी प्रशंसा हो यहोवा सबाओत सेनाओं के हो तेरी प्रशंसा तेरी प्रशंसा तेरी प्रशंसा तेरी प्रशंसा तारीफ 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 महिमा हो महिमा 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 अति पवित्र परमेश्वर तेरी महिमा हो महिमा 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 हो महिमा हो तेरे स्वर्ग सिंहासन के चारों मोर से जैसे कोटि कोटि जीवियां चिल्ला तर कहते पवित्र पवित्र अति पवित्र सेनाओं के हो वह पवित्र है पवित्र है अति पवित्र प्रभु जी तेरी वंदना करते हैं वंदना 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 चरणों पे गिरकर प्रभु तेरी उपासना करते हैं उपासना 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 करते हैं प्रभु जी उपासना करते हैं तेरी आराधना के लिए प्रभु हम तेरे चरणों पे आते हैं अपने अपने घरों में जब प्रभु हम तेरे फाटकों से प्रवेश कर कर पवित्र स्थान से होकर अति पवित्र स्थान में सारे संतों के समेत एक ही आत्मा में पवित्र आत्मा में ही आराधना करने के लिए जब हम आता प्रभु तो हमारी तैयारी कर प्रभु धन्यवाद की बलि धन्यवाद 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 प्रभु हृदय की गहराई से धन्यवाद की बलि चढ़ाते हुए हम तेरे सम्मुख आना चाहते हैं प्रभु जी तो हमारी सहायता कर प्रभु पवित्र आत्मा की सहायता के बिना हम कैसे त्रय परमेश्वर की आराधना प्रार्थना कर सकता प्रभु जी तू हमें तैयार कर प्रभु सबसे पहले इस बलहीन दास को इस कमजोर इंसान को ये नीच पापी को भी तैयार कर प्रभु अंदर बाहर धो ले प्रभु मेरी सारी कुटिलता हटा दे प्रभु सारे कपट भाव को दूर कर प्रभु पवित्र दास सोपाए मार होकर पवित्र आत्मा में संतों के समेत तेरी आराधना करना चाहता हूं तू मुझे तैयार कर प्रभु जैसे याजक लोग तैयार किया जाता बिल्कुल उसी तरह मैं तैयार कर कर मुझे सजा कर प्रभु तेरी आराधना के लिए तैयार कर दे जैसे मैं अपने अपने भवन में बैठे प्रभु वहां तेरी पवित्र आत्मा उतर कराए और मैं तैयार कर ले प्रभु अब्बा मेरे वो वी आर ओ लॉर्ड मे वी बी प्रिपेयर फॉर द वर्शिप ऑफ द लिविंग गॉड हालेलुया मे द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड सैंक्टिफाई अस आवर थॉट्स इवन आवर imaginations may be sanctified may the places that we are seated in O master may be set apart for the worship of the living god jahan jahan baithe prabhu wo sare sthal pavitra kiye jaye wo parmeshwar ka mandir ban jaye jahan prabhu ki aradhana satya mein aur pavitrata mein kiya jaye jaise santon ke liye uchit hai as becoming of thy children O master as befitting thy glory lord grant unto us to worship thee in truth and in spirit oh lord ninde mahatvathin ottavellam ninde magimaikku ottavellam ninde tejasin ottavellam appa ninde vallabathvathin ottavennam ninne aaradhippan engale orikkaname ennu prarthikkunnu kartave hallelujah teri mahimaakki
अनुसार, तेरी पवित्रता के अनुसार, तेरे ऊंचाई के अनुसार, तेरे प्रताप के अनुसार, तेरी ज्योति के अनुसार आराधना करने के लिए प्रभु जी तू हमें तैयार कर दे प्रभु, तैयार कर इस आराधना को, तू पवित्र आत्मा का दीन कर दे प्रभु। हालेलुया, सब कुछ तेरी इच्छा के अनुसार हो जाए, हमारे ऊपर पवित्र आत्मा का नियंत्रण आदि से अंत तक बने रहे प्रभु हम चाहता है। मे द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड कंट्रोल अस एंड गाइड अस थ्रू आउट दिस वर्शिप सेशन ओ मास्टर, तो हमें हमारी सहायता कर ताकि हम भी अनेक संतों के समेत आज एक खुशबूदार बलि चढ़ा सके। हालेलुया, ग्रैंड अनटू अस ओ लॉर्ड एनेबल अस ओ होली गोस्ट टू ऑफर अनटू द फादर एंड टू द सन एंड टू द होली गोस्ट द ब्लेस्ड ट्रिनिटी ए फ्रेग्रेंट ऑफरिंग। हालेलुया, व्हिच इज प्लीजिंग एंड एक्सेप्टेबल टू द लॉर्ड, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली एक आराधना, एक खुशबूदार बलि, स्तुति बलि, हालेलुया, एक धन्यवाद ही बलि चढ़ाने के लिए तो हमारी सहायता कर प्रभु। ले चल प्रभु हमें आराधना में, ले चल प्रभु, भजन हो, वचन हो, भाषण हो, मनन हो, विनती हो, ये विचार या नजर भी प्रभु जी सब कुछ तेरी इच्छा के अनुसार हो जाए, तेरे नियंत्रण के अधीन बने रहे और तेरे नाम अधिक महिमा पाए प्रभु, तेरे जाए, तेरे हित जैसे स्वर्ग में चलाया जाता वैसे हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे मंडली में, हमारे देश में, हमारे समाज में चलाए जाए प्रभु। महिमा तूने प्रभु, सारी महिमा, सारी आदर, सारी प्रशंसा, सारी वंदना तेरी हो, सदा के लिए हो, लेकिन आशीष हमारी हो प्रभु, अबा बहुत ऐसे हो दूर के और समीप के समूह के ऊपर बोता है, इसे तेरा आशीष बरसाए जाए प्रभु। Shower thy blessings upon us, O Master, and glorify thy name, O Lord, we pray. We give thee glory and praise. Sahari adar, aur vandana, aur upasana, aur prashamsa. Hum tere charanon pe arpan kar dete hain. Yeshu ke adi shreshth naam se mante hain. Amen aur amen. परमेश्वर की अति पवित्र नाम की स्तुति हो। ये लॉकडाउन के समय में प्रभु दिवस के दिन, प्रभु दिवस के धन्य समय परमेश्वर के चरणों में इकट्ठा होने और उसकी स्तुति आराधना करने का सुंदर अवसर प्रभु की कृपा से हमने पाए हैं, जिसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मैं आप सबों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने समय निकाल कर अपने आप को तैयार करके प्रभु के चरणों पर अपने आप को बिठाया है। मैं आप सबों का स्वागत करता हूं यीशु के धन्य नाम में और परमेश्वर के अति पवित्र प्रेम में। हम भजन संहिता से कुछ कुछ भाग पढ़कर आज की आराधना शुरू करते हैं। पहले हम 85 को भजन 85 साम 85 आठ और पांच पहले वो वचन पढ़ते हैं। सब लोग अपनी अपनी भाषा में पढ़ सकते हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे। यहोवा तू अपने देश पर प्रसन्न हुआ, याकूब को बंधुआई से लौटा ले आया है। तूने अपनी प्रजा के अधर्म को क्षमा किया है और उसके सब पापों को डांप दिया है। तूने अपने रोष को शांत किया है और अपने भड़के हुए कोप को दूर किया है। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमको पुनस्थापित कर और अपना क्रोध हम पर से दूर कर। क्या तू हम पर सदा कोपित रहेगा? क्या तू पीढ़ी से पीढ़ी तक कोप करता रहेगा? क्या तू हमको फिर न जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे? हे यहोवा, अपनी करुणा हमें दिखा और तू हमारा उद्धार कर। मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। वो तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त हैं शांति की बातें कहेगा।
परंतु वे फिर के मूर्खता ना करने लगे। निश्चय उसके डरवैयों के उद्धार का समय निकट है, तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई हैं, धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। पृथ्वी में से सच्चाई उगती और स्वर्ग से धर्म झुकता है। फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। धर्म उसके आगे आगे चलेगा और उसके पद चिन्हों को हमारे लिए मार्ग बनाएगा। कौरवंशियों का एक सुंदर भजन है यह, हमने पिछले दिन सुना कि जंबरमहेश्वर के सम्मुख अपने आप को अर्पण करते हैं, अरम बलि चढ़ाते हैं, तब वो प्रसन्न होता और नए सिरे से हमें सजाता और ताजगी से अभिषेक करता। Whenever we approach the throne of grace to offer ourselves and with the best we have, heaven is pleased with us and we are recreated, refreshed, rejuvenated. ये बात हमने पढ़ा था। ദൈവസന്നിൽ നമ്മെ തന്നെ പൂർണ്ണമായി അർപ്പിക്കുവാനും നമ്മുടെ വിലയേറിയത് അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ യാഗാർപ്പണം ചെയ്യുവാനും അടുത്തു വരുമ്പോൾ സ്വർഗം പ്രസാദിക്കുകയും അവൻ നമ്മെ പുതിയതായി സൃഷ്ടിക്കുകയും നമ്മെ നവീകരിക്കുകയും പുതിയ എണ്ണയാൽ നമ്മെ അഭിഷേകം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമെന്ന് നാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടു. യഹാൻ പരമേശ്വർക്ക് ഭക്ത് കേത്ത ഹേ തൂ ദുബാര ദേശ് പർ പ്രസന്ന ഹുവാ ഹേ. याकूब को बंधु आई से तू लौटे ले आया है। लॉर्ड यू आर फेवरेबल टू योर लैंड, यू रिस्टोर्ड द फॉर्च्यून्स ऑफ जेकब, वी हैव बीन रिस्टोर्ड लॉर्ड, यू आर ए कंपैशनेट गॉड, व्हेनेवर वी बाउ डाउन एंड सीक दाई फेस इन रिपेंटेंस, यू रिस्टोर्ड अवर फॉर्च्यून्स and you remain favorable to us once again. जब हम झुक कर आता अर्पण करता तो प्रभु तू प्रसन्न होता, देश से ही प्रसन्न होता, हर में हर बंधन से चुड़ाता। कहते तूने अपनी प्रजा के अधर्म को क्षमा किया है, उसके सब पापों को डांप दिया है। You forgave the iniquity of your people, you covered all their sin. The moment I confessed and repented, He readily forgave all my sins and iniquity. Jaisa maine hriday ki gehrai se pashchatap kiya, usne meri sari papon ki kshama kiya, mere apradhon ko daap diya, dur kar diya uski drishti se, aur hame usne pavitra kiya. Jaise Daud ne prarthana kiya, ek shuddh man hame de, और उद्धार की खुशी को लौटा तूने किया, तूने दोबारा हमें खुश किया है, दोबारा हमारे पापों को तेरे मुख के सामने से हटा दिया है। ഞങ്ങളുടെ ദാവത്തോടെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ നീ ഞങ്ങളുടെ മുഴുവൻ പാപവും ക്ഷമിച്ചു തന്നു, ഞങ്ങളുടെ അധർമ്മങ്ങളെ മൂടിവെച്ചു, രക്ഷയുടെ സന്തോഷം തിരികെ തന്നു, ശുദ്ധിയുള്ള ആത്മാവിനെ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പുതുക്കി തന്നു, तूने अपने रोष को शांति शांत किया है और अपने बढ़ के हुए कोप को दूर किया है। यू विड्रू ऑल योर रात एंड यू टर्न फ्रॉम योर हॉट एंगर। अब्बा तेरी जो क्रोध जो है वो क्षण भर के लिए है, लेकिन तेरी दया तो निरंतर बनी रहती है। हिज एंगर एंड रात इज बट फॉर अ मोमेंट, बट हिज मर्सी इज एंड्यूर्ड फॉरएवर। अवन्द कोपम क्षण नेरत्तेक्के उल्लु, അവന്റെ കരുണയോ തലമുറ തലമുറയോളം നിലനിൽക്കുന്നു. അവനവന്റെ കോപത്തെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞു, ശമിപ്പിച്ചു, അവന്റെ ക്രോധത്തെ അകറ്റിക്കളഞ്ഞു. തുനിതര ക്രോധ കോഠായ ഓർ തേരി ജോ കോപ ഹേ ഉസ്കോ തുനെ ദൂർ കിയ ഹേ, തോ ഉസേ പ്രസന്ന രഹതാ ഹേ.
वो नहीं याद करता हमारी गलतियों को, नहीं स्मरण करता मेरे अपराधों को, लेकिन वो अपनी महान दया और करुणा मुझ पर प्रकट किया है। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमको पुनर्स्थापित कर और अपना क्रोध हम घर से दूर कर। Restore us again, O God, our salvation, and put away our indignation towards us. कहते अभी हमारे साथ ऐसा क्रोधित नहीं होना प्रभु, तेरा मुख नहीं छुपाना प्रभु, तुम्हें जो कत्यों किया है वैसा ही हम बने रहने दे। Let there be a steadfast spirit within me, Lord. Let it not be an intermittent experience of mine, O Lord. Let it be a constant, continual experience, O Master. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുണ്ടാകുന്നൊരു അനുഭവമല്ല കർത്താവേ, എന്നിൽ സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്നൊരു ആത്മാവിനെ നീ എനിക്ക് തരണമേ, പറ്റിപ്പോകാത്ത രക്ഷയുടെ സന്തോഷം കൊണ്ട് എന്നെ നിറയ്ക്കണമേ. അപ്പോ നിന്റെ പ്രസാദം ഞങ്ങളുടെ മേലുണ്ടായിരിക്കണമേ. अभी तू सदा हमारे संग प्रसन्न रहना प्रभु, कभी क्रोधित न होना प्रभु, हमें ऐसी आत्मा दे जो मुझ में स्थिर रीति से, स्थिरता से बने रहे और तेरी स्वर्गीय आनंद और खुशी को मैं निरंतर भोगते जाए, अनुभव करते जाए। क्या तुम पर सदा कोपित रहेगा? क्या तू पीढ़ी से पीढ़ी तक कोप करता रहेगा? क्या तू हमको फिर न जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे? Will you be angry with us forever? Will you prolong your anger to all generations? Will you not revive us again that your people may rejoice in you? हमने जो अपराध किया है उसके कारण तू हमारे ऊपर सदा क्रोध कर सकता है, हमारी जो गलती है उसके कारण तू हमेशा क्रोधित बन रह सकता, लेकिन प्रभु पश्चाताप के साथ तेरे पास आया है, तुम्हारे पापों की क्षमा किया है, अभी तू कभी उसको स्मरण नहीं करेगा प्रभु, कभी तू तेरा मुंह नहीं फेरेगा प्रभु। वी डिजर्व योर एंगर एंड रात एंड योर पनिशमेंट फॉर इटर्निटी, येट ओ लॉर्ड यू आर फॉरगिवन इन दाय मर्सी ऑल अवर सिंस एंड ट्रांसग्रेशंस। Do not turn your face away from us. Shine upon us, O Lord God Jehovah. Isliye ki tera jan tujhme hamesha anandit bane rahe, that your people may rejoice in you, Lord. It is not just a feeling that my sins are forgiven, or not even the assurance that I am going to heaven. Father God, I want to rejoice in your salvation, O Master. मैं स्वर्ग में जाऊंगा उसका सिर्फ निर्णय नहीं चलेगा प्रभु, वो काफी नहीं है, मुझको तेरे उद्धार में आनंदित हुए रहना है। अब्बा तुझ में आनंदित होकर रहना है, सदा सर्वदा स्वर्गीय खुशी को मुझे अपनाना है, इसलिए तू मुझे जिला, तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे, हम मिलकर आनंद मनाए प्रभु, अब खुशी ही बांट ले प्रभु, तुझ में बने रहे प्रभु। अब कि तूने हमें तैयार किया है, तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया है, तुम्हें ताजगी से अभिषेक किया है, तभी हम आनंदित बने रहे। हालेलुया, जस्ट बिकॉज यू रिस्टोर अस ओ मास्टर, बिकॉज Because you refreshed us, O Lord. How we desire to be rejoicing in thee, O Master. वो दूसरा लड़का जब वापस आया तो वो हास्तु गाना शुरू हो गया, नाच गाना शुरू हो गया, खुशी मनाने लगा, भड़काने की तैयारी हुआ। Let it be with us, O Master. Just as the prodigal son returned, let there be rejoicing, let there be festivities, O Master. In our tents, in our congregations, O Master. उसके लिए प्रभु तो हमारी सहायता करी हो, अपनी करुणा हमें दिखा और तू हमारा उद्धार कर। Because of your steadfast love, O Lord, grant us your salvation. Salvation, of course, we have been given, but may we never forfeit the joy of salvation, the happiness of following thee, O Master. രക്ഷയുടെ ഉല്ലാസഘോഷങ്ങളെ കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ ചുറ്റിക്കൊള്ളുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പോ ആ സ്വർഗീയ സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെടുവാൻ ഒരു കാലത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇടവരരുതേ. കബീ ഭിത്തര ആനന്ദ ഒരു ഖുശി, സ്വർഗീയ ആനന്ദ ഒരു ഖുശി അമേ നഷ്ട ഹോനേ പ്രഭു. കബീ അമേ ഉദാസ് മനസ്സേ കച്ചാ ദിൽ സേ നഹി രഹേ പ്രഭു. आनंदित होकर खुशी मनाने के लिए प्रभु तू हमेशा हमें आनंदित कर कर रख, अभिषेक की पूर्णता हमें रख प्रभु। मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। Let me hear what the Lord God will speak now.
I know he will speak peace to his people, to his saints. Hallelujah. मैं कान लगा के बैठा, अब तू क्या बातें करेगा? श्राप की बातें तो तू अभी करेगा नहीं, क्रोध की बात तू नहीं करेगा, डांटने वाली बात तू अभी नहीं करेगा, तू शांति की बातें करेगा. Hallelujah. I have inclined my ears so much to pick up everything that heaven would speak, and I know you will not rebuke me now. You are not here to scold me. Hallelujah. You will speak words of peace and salas and shalom. Hallelujah. तेरे मुझे ऐसे शब्द निकलेगा, वो शांति की बात होगी. Hallelujah. मैं आनंदित करने वाली, मुझे आनंदित करने वाली बात होगी. कलीसिया शांति पाएगा, हर्षित हो जाएगा, सांत्वना पाएगा. Hallelujah. ज्ञान से विचार चिरिक्यो करता है स्वर्ग में नोड़ने तो संसारी क्यों न कल कुआं ने निकी कोदी उल्टा नहीं ने पाप चे विचित उल्टा नहीं ने पुत्र ने अलग विषय कर चेत എന്നോട് സമാധാനം സംസാരിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയാം. നീ നിന്റെ ജനത്തോട് സമാധാനം സംസാരിക്കും. നീ കോപിഷ്ഠനായിരിക്കുന്ന ദൈവമല്ല, നീ ശപിക്കുന്നവനല്ല, നീ നശിപ്പിക്കുന്നവനല്ല, നിന്റെ ജനത്തെ വീണ്ടെടുത്ത് അവരെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നവൻ, അവർക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്നവൻ അത്രേ. തു ശാന്തി ദേത്ത, തു സാന്ത്വന ദേത്ത, തുമിട്ട് അനനഹി ആയേക ഹമേ. തു ശാന്തിക്ക് ബാത് നിശ്ചയിക്കരേക. അവ ലോക ഐസെ ശബ്ദ സുനേഗ, ശാലോം ശാലോം. हमारे लिए शांति, कलीसिया के लिए शांति, समाज के लिए शांति, देश के लिए शांति की बात तो कहेगा. और तू चाहता कि हम ये मूर्खता की ओर कभी ना फिरे. मे वी नेवर नेवर टर्न बैक टू फॉली एंड टू विकेडनेस. अबा कभी हम दोबारा पीछे कदम नहीं रखेंगे प्रभु. कभी हम मोड़कर उल्टी चाटने के लिए नहीं जाएंगे. विल नेवर टर्न अबाउट अ मास्टर टू द गटर टू द फील्ड दैट वी लेफ्ट बिहाइंड और टू लिक अवर वोमिट. अबा फादर नहीं, हम तेरी शांति की बात सुनकर तुझ में बने रहेंगे प्रभु. निश्चय उसके डरवैये को उद्धार का समय निकट है. हमारे देश में महिमा का निवास होगा. Now since we have been restored, the glory of the Lord will be revealed in our land. Hallelujah. ദൈവമേ, നീ ഞങ്ങളെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചതുകൊണ്ട്, ഞങ്ങളെ വീണ്ടും സൃഷ്ടിച്ചതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ദേശത്ത് നിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുമാറാകട്ടെ. Let India behold the glory of the Lord. ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മേ ഉസ്കി മഹിമ പ്രകട്ടോ ജായ്. हमारे आसपास की इलाका में परमेश्वर की महिमा प्रकट हो जाए. ये परमेश्वर के संतान लौटाया जाता, महिमा से धारण किया जाता, तब लोग ये महिमा देखेंगे, परमेश्वर अधिक महिमा पाएंगे. और करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है. धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है. स्टेडफास्ट लव एंड फेथफुलनेस मीट. Righteousness and peace kiss each other. अब वही हुआ. Hallelujah. स्वर्गीय प्रेम और स्वर्गीय वफादारी वो हमारे लिए उत्तर कराया है. The love of the Father forced him to send his son down. The love has come down. And our faithful shepherd has chosen to come down. His faithfulness and the love of God have met for us on this earth. यह जगत में परमेश्वर का वो प्रेम जिसके द्वारा उसने उसको पुत्र को ही भेज दिया, वो स्वर्गीय प्रेम यहां उतर कर आया. और जो भरोसमय विश्वास योग्य चरवाहा जिसने कहा मैं अच्छा चरवाहा हूं, भेड़ों के लिए प्राण देता, वो हमारे लिए जगत में जन्म लिया. दोनों का मुलाकात हो गया है हमारे लिए. द लव ऑफ गॉड एंड द फेथफुलनेस ऑफ आवर सेवियर हैव मेट विद इन अस फॉर अस इन अस. हालेलुया. करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है. പുത്രൻ അയക്കുവാൻ തക്കവൻ ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ച പിതാവിന്റെ സ്നേഹം എനിക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്നു എന്നും വിശ്വസ്തനായ നല്ല ഇടയനായ യേശു കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ഭൂജാതനായി. അത് രണ്ടും എനിക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗീയ സ്നേഹവും ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തതയോ ഒരുപോലെ എനിക്ക് വേണ്ടി കണ്ടുമുട്ടി, എന്നിൽ കണ്ടുമുട്ടി, എന്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ടുമുട്ടി.
धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है, राइचियसनेस एंड पीस किस ईच अदर, राइचियसनेस ऑफ गॉड इज वेरी डिमांडिंग आई नो, लेकिन परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने वाला उत्तर कराया है टू मीट द डिमांड्स ऑफ हिज राइचियसनेस. Christ, my blessed Lord, made a bridge on the cross and reconciled me with the Father. स्वर्गीय धार्मिकता जो है बहुत ऊंचाई का है, उसके समान जीना, उसका पालन करना मेरे लिए असंभव है. इसलिए पिता परमेश्वर के साथ मेरा मेल मिलाप कराने के लिए मुझको वहां तक बना पहुंचाने वाला पुल बनकर, सीढ़ी बनकर यीशु उत्तर कराया है. क्रूस पर जीवन देकर उसने मेरा मेल मिलाप कराया है. हालेलुया. धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है. दैट इज व्हाई ही विल स्पीक पीस टू अस. वी हैव बीन रिकंसाइल्ड विद गॉड, वी हैव पीस विद गॉड बिकॉज ऑफ द क्रॉस ऑफ कैलवरी. കാൽവരിയുടെ കുരിശിനാൽ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് സമാധാനമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നീതിയും സമാധാനവും തമ്മിൽ കാൽവരി കുരിശിൽ ചുംബിച്ചതുകൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ അവൻ നമ്മോട് നിശ്ചയമായി സമാധാനം സംസാരിക്കും. Faithfulness springs up from the ground and righteousness look down from the sky. Hallelujah. Ab ye jagat mein hum parmeshwar ke santan pavitra atma mein vas karne ke karan hum nischay parmeshwar ke bharose mein santan ban kar rahenge. Hallelujah. Faithfulness will be generated within me by the indwelling Holy Ghost. Though I am a man living on this earth, a man, I will be faithful by the grace of God, by my counselor, by the one who leadeth me. Hallelujah. ഞാൻ വിശ്വസ്തനായിരിക്കും. മനുഷ്യപുത്രന്മാരിൽ വിശ്വസ്തതയുണ്ടാകും. നമ്മിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നാം അവന്റെ വിശ്വസ്ത സന്താനമായി ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഏ പ്രതിമേ സച്ചായി ഉഗേഗി പവിത്രാത്മാക്കാരൻ മേരെ ഹൃദയമേ ഉഗേഗി മുജിമേ വാസ് കർക്കർ ഓ മുജെ ഭരോസമായി സന്താൻ ബനായേഗ ഓ മുജെ ഭരോസമായി ചേല ബനായേഗ. हालेलुया. और स्वर्ग से धर्म झुकता है. मुझे पवित्र ठहराया उसने. Righteousness of God has been imputed into me from heaven. I didn't work for it. I could have never earned it. I never could merit it. Mere parishram ke karan nahi hai. Swarg se unde diya gaya hai. Meri dharmikata parameshwar ka daan hai. He is righteous in counting the most unrighteous righteous. Hallelujah. Sabse zyada dharmi ko dharmi tehrane ke liye wo dharmi tehrta hai. Hallelujah. Wo swarg ke daan hai. Wo swarg se bhej diya gaya daan hai. Uske karan main dharmi purush aur main bharosmay jeevan ye jagat mein hi jiyunga pavitra atma ki sahayata se. Enke liye vach needi swargatinte daanamatre ente needi vastram swargatil nirangi. The cloak of righteousness has been gifted to me. Hallelujah. Meri dharmikata ka vastra parmeshwar ki or se daan diya gaya hai. Jaisa wo chota ladka wapas aaya, atyuttam vastra, atishreshth vastra usko pehnaya gaya. Usko khud pehen bhi nahi sakta, pehnaya gaya. He could not have worn it all by himself. Oh, ye prodigal son. Hallelujah. They will clothe you. Heaven will clothe you with the cloak of righteousness, with the robe of righteousness. Hallelujah. Enikku dharikkuvan kalivilla. Ennal enne dharippichathu swargamathre. Main khud pehan bhi nahi sakta. Lekin main pehnaya gaya. Parmeshwar ke dharmikata ka vastra se main alankrit hua hu. Ye parmeshwar ka daan hai. तब क्या होगा? यहोवा उत्तम पदार्थ देगा. द लॉर्ड विल गिव व्हाट इज गुड. परिणाम वो है उत्तम से उत्तम पदार्थ स्वर्ग से हमारे लिए उंडेल दिया जाएगा. द कॉन्सिक्वेंस विल बी दैट हेवन विल बी शावरिंग द चॉइसेस्ट ऑफ हेवन्स गिफ्ट्स एंड प्रोविजंस फॉर हिज पीपल. अत्युत्तम पदार्थ निरंतर उंडेल दिया जाएगा अपने जन के लिए. कहते हमारी भूमि अपनी उपज देगी.
Our land will yield its increase. There will be increase in the land. There will be increase in our lives. There will be increase in our families. There will be increase in our congregations. We shall prosper. Hallelujah. I'm not talking all about the worldly prosperity. I'm talking about what heaven holds valuable and precious for his children. Hamara bhumi ubaj degi. Dubara ye ubajau ban jayega. The curse will be lifted from our land. And you'll be fertile once again. Oh, zada aur zada ubajau hote jayega. Oh, falwand hogi. Amen. हम ऐसे बांझ वृक्ष की तरह नहीं बने रहेगा. We will not remain barren anymore. നമ്മൾ ഇനിയും മച്ചിയായിരിക്കുകയില്ല. നമ്മുടെ ദേശം ഇനിയും വരണ്ടു കിടക്കുകയില്ല. ഈ ജീവിതം തളിർക്കുവാൻ പോകുകയാ. ഇത് ഫലം കായ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങുകയാ. ധാരാളം ഫലം കായ്ക്കും. നമ്മുടെ ഭൂമി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. എൻ്റെ സഭ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. എൻ്റെ ഭവനം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. എൻ്റെ കുടുംബം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. എൻ്റെ ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. We shall be fruitful and we shall increase. धर्म उसके आगे आगे चलेगा. उसके पद चिन्हों को हमारे लिए मार्ग बनाएगा. Righteousness will go before him and make his footsteps a way. अब मैं मार्ग ढूंढ के नहीं भटकूंगा. मुझे इधर उधर थकना नहीं पड़ेगा. उसका पद चिन्ह वो मेरे सामने रख कर आगे निकला है. My forerunner is going ahead of me, leaving behind for me his footprints that I may follow them. I will not go astray. I will not be wandering in the wilderness anymore. Hallelujah. ഞാൻ അലഞ്ഞു നടക്കുകയില്ല. ഞാൻ ഇനി ഉഴന്നു നടക്കുകയില്ല. എനിക്ക് മാർഗം അന്വേഷിക്കേണ്ട ഗതികേട് വരികയില്ല. എന്റെ ലക്ഷ്യത്തെ എനിക്ക് അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരികയില്ല. അവൻ എന്റെ മുൻപേ നടക്കും. നീതിമാൻ എനിക്ക് മുൻപേ നടക്കും. അവന്റെ പാദചിഹ്നങ്ങളെ നോക്കി ഞാൻ ഗമിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാനും വിശ്വസ്തനായി എണ്ണപ്പെടും. Hallelujah. മേ ബടക്കുങ്ക നഹി. ജംഗൽ മേ നഹി ബടക്കുങ്ക. രേഗിസ്ഥാൻ മേ നഹി മിട്ടുങ്ക. സഹീ മാർഗ് മേ ചലനെ കെ ലിയേ. സഹീ രക്ഷസ്ഥാൻ പർ പഹുഞ്ചനെ കെ ലിയേ. ധാർമികത പരമേശ്വർ കി ധാർമികത ജോ യേശു ഹെ. പവിത്രാത്മാ കെ രൂപ മേ ഹമാരാ അഗുവാ ഹെ ആജ്. വോ ഹമാരെ ആഗെ ആഗെ ചലേഗാ. Hallelujah. हर वो उसका पद चिन्ह को हमारे लिए छोड़ेगा. हम उसमें चलते रहेंगे. हम उसमें चलते रहेंगे. हम और एक दो भजन का एक एक भाग पढ़ने का प्रयास करते हैं. हम 67 में जाता है. 67th साम 5-7 में रीड. ये परमेश्वर देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें. देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें. भूमि ने अपनी उपज दी है. परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें आशीष दी है. Let the people praise your God and all the people praise him. The earth has yielded its increase. God our God shall bless us. Hallelujah. हमने आत्मिक नयनों से देखा प्रभु तूने आशीष बरसाना शुरू किया है. तूने सिर्फ हमें नए सिरे से नहीं सृजाया. सिर्फ हमें ताजगी से अभिषेक नहीं किया. यू स्टार्टेड शावरिंग दाई सोस्ट ब्लेसिंग्स फ्रॉम हेवन. तो ऐसे स्वर्गीय आशीष हमारे ऊपर बरसाना शुरू किया है. भूमि ने अपनी उपज दी है. द अर्थ हैज यील्डेड इट्स इंक्रीज. वी बिहोल्ड इट थ्रू द आईज ऑफ फेथ. स्वर्गीय नजरिया से हम ये देखता है. हमारे देश उपजाऊ बन चुके हैं. तुम्हारे ऊपर अनुग्रह बरसाया है. हम फूलते हैं. हम फलते हैं. परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें आशीष दी है. नॉट सम ड्रॉप्स ऑफ ब्लेसिंग बट शावर्स एंड शावर्स ऑफ ब्लेसिंग. गॉड हैज रियली ब्लेस्ड अस. भूमि ने अपनी उपज दी है. परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें आशीष दी है. परमेश्वर हमको आशीष देगा.
और पृथ्वी के दूर दूर के देशों के सब लोग उसका भाई मानेंगे. God shall bless us again. He shall continue to bless us. Now these blessings will not cease. Hallelujah. His favor will not be taken away from us. He will continue to bless us. He will continue to prosper us. We will continue to increase. He shall bless us. He shall continue to bless us. Let all the ends of the earth fear him. सारे पृथ्वी के लोग उसके महिमा को देखेंगे, उसको भाई मानने लगेंगे. हालेलुया. जैसे हमने पहले सुना, पृथ्वी के लोग उसकी महिमा देखेंगे. आमेन. When the people of God shall remain blessed, amen, and they shall prosper, and they are making to answers and progress in their walk with the Lord. प्रभु के संग चलते चलते वो प्रगति पाते रहेंगे, प्रभु के समीप वो कर आगे बढ़ते रहेंगे, परमेश्वर के पद चिन्हों में चलते रहेंगे. महिमा और महिमा उंडेल दिया जाएगा, महिमा से महिमा की ओर हम बढ़ते जाएंगे. सारे पृथ्वी वो महिमा के दर्शक बने रहेंगे और परमेश्वर अधिक महिमा पाएंगे. हालेलुया. ये परमेश्वर के जन फूलेंगे फलेंगे बढ़ेंगे तो पृथ्वी भी परमेश्वर की महिमा का दर्शक बनेंगे और परमेश्वर का भाई मानेगा. ദൈവജനമാണ് ഗ്രഹിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, ദൈവജനം തേജസ്സിൽ നിന്ന് തേജസ്സിലേക്ക് വളരുമ്പോൾ ലോകം ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെ ദർശിക്കും. ഭൂവാസികൾ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങും. അവർ ഏക ദോ വചന അവർ പഠിത്തെ ഹെ ഉസ്കാ ബഹത്തർവ വചൻ സേ ഹം പഠിത്തെ ബാരാ സേ പഠിത്തെ ഹെ ശാം 72 സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് വേഴ്സ് 12 ക്യോങ്കി വോ ദുഹായി ദേനെ വാല ദരിദ്ര കാ और दुखी और असहाय मनुष्य का उद्धार करेगा. हालेलुया. नॉट ओनली द एलीट एंड द एरिस्टोक्रेट्स बट ही डिलीवर्स द नीडी एंड द पुअर व्हेन ही हैज नो हेल्पर. द पुअर एंड नीडी आर द फर्स्ट वंस ऑन हिज लिस्ट. हालेलुया. प्राथमिकता उसके हृदय में उनके लिए है. दुहाई देने वाला दरिद्र, the needy who calls upon him, the poor who keeps looking unto him, dukhi aur asahay manushya ka uddhar karega. Wo sirf sambandhon ke piche nahi hai, mashhooron ke piche nahi hai, wo daridr ki sahayata karega. Humne pichle din nahi suna tha, wo daridr ko susamachar sunane ke liye bhej diya gaya. Parmeshwar ka putra hai wo, kangal aur daridr par tars khayega. वो दरिद्रों के प्राणों को बचाएगा. He will indeed pity the weak and the needy, and he will definitely save the lives of the needy. Hallelujah. बेसहारे को ऊपर दृष्टि लगाते हुए जो कंगाल है उसको उबारने के लिए वो सदा जागरूक रहता. His eyes are on the falling sparrows and the weak swallows. ഒരു വീഴുന്ന കുരുങ്ങിലിന്റെ മേലോ ഒരു ബലഹീനമായ മീവൽ പക്ഷിയുടെ മേലോ അത്രേ അവന്റെ കണ്ണുകൾ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മഹാന്മാരുടെ മേൽ ദൃഷ്ടി വയ്ക്കുന്നവൻ മാത്രമല്ല അവന്, പ്രസിദ്ധിയുള്ളവരുടെ മേൽ നോക്കുന്നവൻ മാത്രമല്ല അവന്, സഹായമില്ലാത്ത ദരിദ്രനെ ആരും അറിയാത്തവന് വേണ്ടി വലം കറന്നു നീട്ടുന്നവൻ അത്രേ അവന്. ഓസ്ക പ്രാണോ കൊന്തേർ അവർ ഉപദ്രവിച്ചുടാലേക ഉൻകലാഹു ഓസ്കി ദൃഷ്ടി മേ അൻമോൾ ടേരേക. He will definitely save them and deliver them from the oppression and violence. And how precious their lives are in his sight. And precious is their blood in his sight. Unhe surakshit rakhega. Aankh ki putli saman sambhalega. As the apple of his eyes, he will keep them safe and secure. Deliver them from all the perils and all the plots of the evil one. Dushman ke har tarah ki yojana se aur tarah ki aapatti vipatti se wo unhe chuda ke surakshit rakhega. Wo jeevit rahega. Shava ke sone mein se usko diya jayega. Log uske liye niti prarthana karenge. Din bhar usko dhanya kehte rahenge. Long may he live and may gold or sheba be given to him. May prayer be made for him continually and blessings invoked for him all the day. Hallelujah. वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा.
सिर लंबी आयु नहीं, अनंत जीवन प्राप्त कर कर अनंत जीवन के मार्ग में वो बढ़ते रहेगा। स्वर्गीय अनुग्रह सेव से भेजने वाले चौके सोने की तरह, सच सच लाइक प्योर गोल्ड, सच प्रेशियस गोल्ड, हेवनली ब्लेसिंग्स विल बी शावर्ड अपॉन हिम। आमेन। सच इनवैल्युएबल गिफ्ट्स ऑफ द लॉर्ड, priceless favor will be heaped upon him. Hallelujah. Atyuttamamaya swarnathekal thangathekal viliyeriya swargiya anugrahangal swargiya kripa avante mel choriyappadum. Hallelujah. Aur log uske liye prarthana karenge, arth uski prashamsa karenge, uske liye parameshwar ko dhanyawad denge. We will be prayed for and God will be blessed for because of us. Hallelujah. हमारे कारण परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा हो जाए और हमारे लिए विनती किए जाए। Amen. और लोग कहेंगे, लोग धन्य लोग हैं। The world will acknowledge that these are a blessed lot. Amen. इवर अनुग्रहिक्कपट्टवर इत्रे इन लोग विलिच्चु परैं। इतना ही नहीं, देश में पहाड़ों की चोटियों पर बहुत सा अन्न होगा जिसकी बाले लबान उनके देवदार के समान हो झूमेंगे, और नगर के लोग घास के समान लग रहेंगे। मे देयर बी अबंडेंस ऑफ ग्रेन इन द लैंड एंड ऑन द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स, मे इट वेव, मे इट फ्रूट बी लाइक लेबनान, एंड मे पीपल ब्लॉसम इन द सिटीज लाइक द ग्रास ऑफ द फील्ड। हालेलुया। फूलोगे, फलोगे, बढ़ोगे, ऐसा हार होगा, अन्न होगा, ऊंचाई में ज्यादा होगा, कलीसिया में ज्यादा होगी। अमेन, अमेन। ऑन द माउंटेन टॉप्स, ऑन द माउंटेन ऑफ गॉड, द प्रोविजंस विल बी प्लेंटी एंड प्लेंटीफुल। अमेन। इन प्लेनिट्यूड शाल बी द प्रोविजंस। कलीसिया में आहार होगी, कलीसिया में मन्ना बोताई से बरसाया जाएगा। अमेन। ऑन द माउंटेन टॉप्स देयर विल बी अबंडेंस ऑफ ग्रेन एंड द शीव्स विल बी डांसिंग इन द हेवनली ब्रीज। ऐसे स्वर्गीय हवा में नाचते रहेंगे सारे बाले, ऐसे वो लिखा है। मतलब पीपल ब्लॉसम इन द सिटी, पीपल विल प्रोग्रेस, पीपल विल प्रॉस्पर, पीपल विल इंक्रीज, और जन भी बढ़ते जाएंगे, इंक्रीज उसको बढ़ते जाएंगे, प्रबल होते जाएंगे, आनंदित होके जाएंगे, ऐसे पवित्र शास्त्र कहते हैं। हम और एक भजन पढ़ के खत्म करने का प्रयास करते, भजन से बाहर आने का प्रयास करते हैं। हम 128वां भजन, जो बहुत परिचित भजन है, उसमें हमें बहुत समय बने रहने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम उसको अच्छी तरह बाय हार्ट जानते हैं। 128, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भाई मानता है, उसके मार्गों पर चलता है। ब्लेस्ड इज एवरीवन हु फियर्स द लॉर्ड, हु वॉक्स इन हिज वेज। परमेश्वर का भाई मानकर हम चलते हैं क्योंकि उसने उसका पद चिन्ह हमारे सामने छोड़कर आगे बढ़ रहा है। बिकॉज ही इज लीविंग हिज फुटप्रिंट्स बिफोर अस, वॉकिंग अहेड ऑफ अस, वी विल वॉक इन द फुटप्रिंट्स। आमेन। ही हू वॉक्स इन हिज वेज इज अ ब्लेस्ड मैन। अब उसके मार्ग में चलेंगे, अब हम चल सकता क्योंकि हमारे सामने उसका पद चिन्ह है और हमें चलाने वाला पवित्र आत्मा है। हमारे पापों की क्षमा हो चुकी है, नए सिरे से सिरजाया गया है, ताजगी का अभिषेक पाया। Now since we have been created anew and afresh, now since the Holy Spirit is guiding us, now since we have the footprints ahead of us of our forerunner, the captain of our salvation, hallelujah, we will walk in his steps. तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा, तेरा भलाई होगा। You shall eat the fruit of the labor of your hands. You shall be blessed and it shall be well with you. इतना ही नहीं, भूमि वृद्धि उपजाऊ होगी, उपज देगा तो उसको बोगे। You will relish it. Not only that the land will be fertile and fruitful, you will enjoy the fruit thereof. No one will steal it away. And it won't be that you are not in a position to enjoy it. Hallelujah. कहते सिर्फ प्रद्युपजाऊ नहीं होगा,
वो सिर्फ फल नहीं देगा, तुम बड़े आनंद से खाओगे, खाकर तृप्त हो जाओगे, वो फल दूसरा कोई चुराएगा नहीं। और तो ऐसी अवस्था में भी नहीं रहेगा तो खुशी से खा नहीं सकता। ഭൂമി അതിൻ്റെ അനുഭവം തരുമെന്ന് മാത്രമല്ല, നീ അത് സന്തോഷത്തോടെ ഭുജിച്ച് ആനന്ദിക്കും. നിന്റെ കൃഷി ആരും ഇനി അപകരിക്കുകയില്ല. അത് സന്തോഷത്തോടെ ആനന്ദത്തോടെ ആസ്വദിപ്പാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം നീ നിന്റെ അവസ്ഥ ഇനിയും മോശമായി തീരുകയില്ല. തൂപനിക്കമായിക്കൊ നിശ്ചയിക്കാനേ പായക തേരെ ഗർക്ക് ഭീത്തർ തേരി സ്ത്രീ ഫലവന്ത് ദാഖലദാസി ഹോഗി തേരി മേഷ്ക്ക് ചാരമോർ തേരെ ബാലക്ക് जलपाई के पौधे से होंगे। योर फैमिली विल प्रॉस्पर एंड योर फैमिली विल बी अ सोर्स ऑफ जॉय एंड इंस्पिरेशन फॉर यू। तुम्हारा परिवार बढ़ते जाएगा, तेरे परिवार एक खुशी का कुंड बनकर रहेगा। हालेलुया, तड़पाने वाली बात नहीं रहेगा। यू विल नो मोर सी अ डेविल इन योर वाइफ और इन योर स्पाउस। हालेलुया, वो तुम्हें खुशी देगा, प्रोत्साहन देगा, आनंदित करेगा, स्वर्गीय अनुभव रहेगा भवन में। There'll be a spiritual atmosphere at home. Your wife will be a blessing to you. Your spouse will be a blessing to you. You will no more see it. Usme tum ek dushtatma ko nahi dekhega ab. Hallelujah. Aur tere santan sardardan banke nahi rahega. Your children shall no more be a headache to you. They will not be causing pain to you. Hallelujah. Tum unke karan lajjit nahi honge, dukhi na honge. Tere santan aise honge, abhishikt bacche honge. Anointed they shall be, obedient they shall be, full of grace they shall be. Kripa se bharpoor hokar, taajagi se abhishek pakar, aagya palan karne wala namr log, tere सारे बच्चे जलपाई के पौधे के समान तेरे पास रहेगा। तुम्हें इधर उधर ढूंढ कर उनके पकड़ कर लेकर आना नहीं पड़ेगा। यू डोंट हैव टू बी चेसिंग द वांडरिंग बॉयज एंड गर्ल्स। हालेलुया, दे शैल बी सीन अराउंड द टेबल ऑफ ब्लेसिंग। हालेलुया, तेरा अनुग्रह के मेज के चारों ओर वे बने रहेंगे, तेरे संग बने रहेंगे, हाथ के नीचे बने रहेंगे। നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിന്റെ കൈ കീഴായിരിക്കും, നിന്റെ മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും ഒലിവുതൈക്കളെ അനുഗ്രഹ പാത്രങ്ങളായി അവർ തീരും. അവരെ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരികയില്ല. അവരുടെ മേൽ കണ്ണുവെച്ച് ജാസൂസിക്കരണയ്ക്ക് ജരൂരത്ത് നയ്യ സുൻ ജോ പുരുഷ ഹോക ഭയ മാനത്ത ഹേ വൈസി ഹി ആശിഷ് പായേഗ. ബിഹോൾഡ് ദ ഷാൽ ദ മാൻ ബി ബ്ലെസ്ഡ് ഹു ഫിയേഴ്സ് ദ ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയാ, വി ഹാവ് ബീൻ റിഫ്രഷ്ഡ് ആൻഡ് റിസ്റ്റോർഡ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ബീൻ ഫോർഗിവൻ, വി ഹാവ് ബീൻ അനോയിന്റഡ് അഫ്രഷ്. We are beginning you. हम उसको भय मानने वाले लोग हैं। अब नई सिरे से सिर जाए गए लोग हैं। हमारी नई शुरुआत तो हुई है। हालेलुया, इसलिए हम आशीषित बने रहेगा। यहोवा तुझे सियोन से आशीष देवे, तू जीवन भर यरूशलेम को खुशहाल देखते रहे। May the Lord bless you from Zion. May you see the prosperity of Jerusalem all the days of your life. Hallelujah. प्रभु स्वर्गीय आशीष उंडेल देगा। सिर्फ ये बौद्धिक आशीष की बात नहीं होता, ये सियोन से बरसाने वाली आशीष है। This is not about just the material blessings that people talk about. This is about those heavenly blessings, those supernatural blessings, those divine blessings that will be showered upon us from heaven, from Zion. Hallelujah. ഇത് ലോകം തരുന്ന ഈ ലോകത്തിന്റെ ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല, ഇത് സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹമത്രേ. ഇത് സിയോനിൽ പെയ്യുന്ന മഞ്ഞു പോലെ, ഹെർമോനിൽ പെയ്യുന്ന മഞ്ഞു പോലെ സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹമത്രേ. പിച്ചിലെ ദിനം സുനാത്ത അഹരോന്റെ താടിയിൽ കൂടി ഒഴുകി മുഴുവൻ വസ്ത്രത്തെയും നനച്ച് നടക്കുന്നിടത്ത് ഇറ്റ് വീഴുന്ന അനുഗ്രഹം. Hallelujah. ये वो अनुग्रह है, वो सर से बहने लगता है, दाढ़ी से होकर बहता है, पूरे शरीर को भीगते है, और जब जहां जहां हम चल के जाते वहां टपकती है। इट इज दैट अनॉइंटिंग दैट फॉल्स ऑन माउंट हर्मल, दैट फॉल्स ऑन माउंट सायन। इट कीप्स इट्स फ्लोइंग फ्रॉम हेड थ्रू द बियर्ड, वेटिंग द एंटायर रोब एंड ड्रिपिंग ऑल अलोंग एज वी वॉक। हालेलुया, स्प्रेडिंग ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। इतना ही नहीं, यू विल ऑल्सो विटनेस द प्रोग्रेस एंड द वेलफेयर ऑफ जेरूसलेम। कलीसिया उन्नति पाएगी। यू विल सी द चर्च प्रोग्रेसिंग एंड प्रॉस्परिंग एंड गेटिंग परफेक्टेड। हालेलुया,
ഇത്ര മാത്രമല്ല, യെരുശലേമിന്റെ നന്മയെ കാണും, സഭ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത് കാണും, സഭ വളരുന്നത് കാണും, സഭ ശോഭായമാനയായി യേശു കർത്താവിനെ മണവാട്ടിയായി പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കുന്നത് നീ കാണും. ഇത്ര ഹി നഹി യെരുശലേം കി ഭലായി കോ തു ദേഖോഗേ, കലീസിയ കോ ബഢ്തേ ഹുവേ ദേഖോഗേ, കലീസിയ ഉന്നതി പായേംഗേ, കലീസിയ ശോഭായമാൻ ഹോഗീ, വൈസി ദുൽഹൻ ബൻ ജായേഗീ, തും ദേഖോഗേ, കലീസിയ പൂർണ്ണത പായേഗാ, ശോഭാ കി മഹിമാ കി. May you see your children, children, peace be upon Israel. Varantu apne naati poton ko bhi dekhenge. The next generation will be equally blessed. If the Lord's coming tarries, this generation and the next generation will also prosper, will enjoy the grace and favor of God. Hallelujah. Ee thalavarayum, kartavine varava thamasikkunnengil, adutha thalavarayum, anugrahikkappettirikkum. Hallelujah. Ente vishwasathinte kannukalal njan avaye kandu aanandikkum. मेरे विश्वास की दृष्टि से मैं देखूंगा, अगर यीशु का आगमन न देरी से होता तो आने वाली पीढ़ी भी आशीषित बने रहेंगे. इसराइल को शांति मिले, निश्चय शांति मिले. शालोम अपॉन इसराइल, शालोम अपॉन द चर्च ऑफ गॉड, शालोम अपॉन फैमिलीज, शालोम अपॉन ईच वन. हालेलुया. शांति हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक परिवार के लिए, हर एक झुंड के लिए, कलीसिया के लिए, हमारे देश के लिए शांति हो. निश्चय वो शांति की बातें कहेगी. हालेलुया. भजन संगीतकर्ता कहते हैं, गॉड इज इन द बिजनेस ऑफ प्रॉस्परिंग हिज पीपल, गॉड इज इन द बिजनेस ऑफ ग्रैंडिंग अनटू अस वंस अगेन द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ अबंडेंट. സമൃദ്ധമായ ജീവന്റെ അവകാശികളാക്കി നമ്മെ തീർത്തവൻ വീണ്ടും സമൃദ്ധിയിലേക്ക് നമ്മെ ആനയിക്കുവാൻ അത്രേ നമ്മെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയത്. ये भजन से हम सीखते हैं कि परमेश्वर हमें दोबारा बढ़ाने पर है, उन्नति देने पर है, प्रगति देने पर है. बहुत तहत का जीवन में दोबारा हमने हमको उसने प्रवेश दिलाया है. हालेलुया. हम पिछले दिन पढ़े थे 113 भजन से हम पढ़े थे. Last Sunday we read and meditated from Psalm 113. उसका एक वचन हम देखते हैं. उसका नवा वचन ऐसा है, वो बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है. या की स्थिति करो. He gives the barren woman a home and a family, making her the joyous mother of children. पिछले त्योहार को प्रभु ने हमें इसका ये वायदा सुनाया था. अब हम ऐसे बांझ नहीं रहेंगे. वी विल नेवर रिमेन बैरन. ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली अर्ली चिल्ड्रन. बौद्धिक रीति से, शारीरिक रीति से जो बच्चा होगा सिर्फ उसका विषय में नहीं कहता. वो कहते हम अनेक संतानों को जन्माएंगे. हालेलुया. We will reproduce many spiritual children, if not the physical ones. Everyone who has been counting himself a barren, മച്ചിയാണെന്ന് കരഞ്ഞ് വിലപിച്ചവളെ, വിലപിച്ചവനെ, ഉണങ്ങിയ വൃക്ഷമെന്ന് തന്നെ തന്നെ ശപിച്ചവനെ, നീ വീണ്ടും തളിർക്കും, നിസന്താന പുഷ്ടിയുള്ളവനായി തീരും, ആത്മീകമായി അനേകരെ നീ ജനിപ്പിക്കും. അമേൽ. സഭ അവരുടെ ഭവനമായി മാറും, കുടുംബമായി മാറും. യാക്കി സ്തുതി ഹോ. ഈ വാത്തം നീ സുനത്ത് ഹമ്നേ യജേക്കിയൽ കെ പുസ്തക് സെ ബി പഠാത്ത. വി ഓൾസോ റെഡ് ഫ്രം ദ ബുക്ക് ഓഫ് എസക്കിയൽ 34 ചാപ്റ്റർ 27th വേഴ്സ്. 34 അധ്യായ സെ 27th वचन हम पढ़ी थी. मैदान के वृक्ष फलेंगे और भूमि अपनी उपज उपजाएगी और वे अपने देश में निडर रहेंगे. जब मैं उनके जुए को तोड़कर उन लोगों के हाथ में चलाऊंगा. एंड द ट्रीज ऑफ द फील्ड शैल यील्ड देयर फ्रूट एंड द अर्थ शैल यील्ड इट्स इंक्रीज एंड दे शैल बी सिक्योर इन देयर लैंड. दे शैल नो दैट आई एम द लॉर्ड.
when I break the bars of their yoke and deliver them from the hand of those who enslave them. हम पिछली इतवार को ये भाग पढ़ा नहीं, छोड़ दिया गया वो. We did not read from the book of Ezekiel last Sunday, though we had included it in the list. वो लिस्ट में था तभी हम, तो भी हमने ये भाग पढ़ा नहीं था, लेकिन ये भाग शायद आज के लिए सही है. बीते हुए इतिहास से बढ़कर आज के लिए वो सही है. वो कहता है मैदान के वृक्ष फलेंगे, भूमि अपनी उपज उपजाएगी. हालेलुया. अरे अपने देश में नहीं डर रहे, मैं तुम्हें बंधुआई से बाहर ले आऊंगा, सारा बंधन तोड़ दूंगा मैं, और तू स्वतंत्र होकर निडर रहोगे. आई विल ब्रेक ऑल द शैकल्स ऑफ द एनिमी एंड आई विल डिलीवर यू फ्रॉम स्लेवरी एंड द लैंड शैल रिजॉइस एंड द ट्रीज शैल यील्ड मच फ्रूट. हालेलुया. शैल यील्ड इट्स इंक्रीज एंड दे शैल बी सिक्योर इन दिस लैंड. हालेलुया. आज प्रभु भजन के द्वारा हमें उसका निर्णय दिलाता है. टुडे God has reassured us through the Psalms what He intends to do in our lives. हमारे जीवन में वो क्या कार्य करना चाहता, वो और एक बार प्रभु ने हमें निश्चय दिलाया. हम उत्पत्ति से शुरू करते हैं. पर अध्याय का 11-12 में ऐसा लिखा है, Genesis 1:11-12, परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़, फलदायी वृक्ष भी जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार हो पृथ्वी पर उगे. और वैसा ही हो गया. इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास, छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं उगे. और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है. He has not kept his intentions a secret even the first days of creation. सृष्टि के आरंभ से ही प्रभु ने उसको उद्देश्य को प्रकाशित किया है. वो ऐसे जाड़ों को, ऐसे घास को, ऐसे छोटे छोटे पेड़ों को सृजाता और बार 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 उसको सृजाना नहीं चाहता. वो चाहे कि वो ही अपनी अपनी तरफ को जन्माए. When he created the plants and the trees and the grass, he didn't intend to keep on creating them. He put seeds in it, made them capable of reproducing its own kind, their own kinds. Hallelujah. From the very beginning of creation, God has made known his heart that his creation should reproduce, his creation should progress, his creation should increase. परमेश्वर का उद्देश्य, उसके हृदय की तमन्ना यह है. आरंभ से ही उसने उसको प्रकाशित करके दिया है. सृष्टि आरंभ तन्ने कर्ताव अवन हृदय वेळिपडुत्ति तन्नु. അവൻ വീണ്ടും വീണ്ടും സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവൻ സൃഷ്ടിച്ചത് വീണ്ടും സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് വിത്തുള്ള സസ്യങ്ങൾ, അവയെപ്പോലുള്ള സസ്യങ്ങളെ വീണ്ടും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവരായി അവൻ സൃഷ്ടിച്ചു. വിത്ത് കണ്ടില്ലേലും വേരിൽ ശക്തിയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ തണ്ടിൽ ശക്തിയുണ്ട്. അവ അവയെ തന്നെ നിർമ്മിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. പ്രഭുക്ക് ഇച്ഛ യഹ ഹേ. പ്രഭു അമാര പുനർനിർമ്മാണകർത്താ. Last Sunday we were reminded, just as he recreated the earth, he has recreated us so that we will continue to create. Hallelujah. We will be co-laborers with him. We will be co-builders with him. And we'll keep on creating. We'll keep on building. We'll keep on perfecting. Hallelujah. हमने पढ़ा जैसे पृथ्वी को जो सुनसान पड़ा था, जो भेड़ उल्टा, उसको उन्होंने पुनः सृष्टि कर रचाया. और कहते हैं कि उसका आग्रह है कि वो अपने आप को बनाते जाए, बढ़ाते
जाए, फूले जाए, फलते जाए, ये हमारे विषय में प्रभु कहता, मैंने तुझको नई सृष्टि बनाया है, हालेलुया, जो कथियों किया है अब तुम बनाओगे, तुम फूलोगे, तुम फलवंद होगे, यू विल रिप्रोड्यूस योर काइंड, हालेलुया, तुम्हारे जैसे संतान को बनाएंगे, हालेलुया, तुम्हारे जैसे पीढ़ी उत्पन्न हो जाएगा, നിങ്ങളെ ഞാൻ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചു, നിങ്ങളെ ഞാൻ അഭിഷേകം ചെയ്തു, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള മക്കളെ ജനിപ്പിക്കും, ആത്മീയ മക്കളെ ജനിപ്പിക്കും, മേശയ്ക്ക് ചുറ്റുമിരിക്കുന്ന ഒലിവ് തൈക്കളെ നിങ്ങൾ സമ്പാദിക്കും, ഹല്ലേലൂയ, വരുന്ന ലോകത്തിന് അനുഗ്രഹമായി നിങ്ങൾ അവയെ ദാനം ചെയ്യും, ഹല്ലേലൂയ, അവശ്യ സന്താനം ഉൽപ്പന്ന കരേംഗെ, അവശ്യ പീഡിക്കു തയ്യാർ കരേംഗെ, ഐസ കലീസിയ തയ്യാർ ഹോ ജായേംഗെ, പരമേശ്വർക്ക് ആശിഷ്കാരി മേശക്ക് സമാചാരോ ഓർ ബൈഠനെ വാലേ, ഐസേ ജൽപായി കെ വൃക്ഷ കെ സമാന हमारे संधान बने रहेंगे, हम आगे बढ़ते हैं, उसके 24वां वचन हम पढ़ते हैं, वी रीड द 24th वर्स एज वेल, फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, let the earth bring forth living creatures according to their kinds, livestock and creeping things and beasts of the earth according to their kind. And God made the beasts of the earth according to their kinds, and the livestock according to their kinds, and everything that creeps on the ground according to its kind. And He saw that it is good. Amen. उसने ऐसे जीव जंतु को भी बनाया. हालेलुया, और कहते हैं ये भी बहुत अच्छा है, अभी बार बार वो जीव जंतु को नहीं बनाएगा, वो अपने अपने जन्माते रहेगा, एवरी क्रिएशन ऑफ हिज विल बी कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, दे आर इंटेंडेड टू बी रिप्रोड्यूसिंग, हालेलुया, दे हैव बीन क्रिएटेड इन ऑर्डर टू रिप्रोड्यूस, इन ऑर्डर टू प्रोग्रेस, इन ऑर्डर टू प्रॉस्पर, इन ऑर्डर टू इंक्रीस, ദൈവമാവിയെ സൃഷ്ടിച്ചത്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചത് ജീവിച്ച് നശിക്കുവാനല്ല, അതേ അതുപോലുള്ളതിനെ വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി അത്രേ എന്ന് നാം അവിടെ വായിക്കുന്നു. ഇൻസാൻ കോ ബനായാ, ഇൻസാൻ കോ ഭീ കഹതേ കി തു ഫൂലോ ഫലോ ബഡോ, അബ് യേ സബ് നഹീ പഢ്നാ ചാഹതാ, വാ ലിഖാ ഹൈ ഇൻസാൻ കോ ഭീ കഹതാ ഹൈ കി തും ലോഗ് ഭീ ഫൂലോ ഫലോ ബഡോ, God saw everything and to every beast of the earth, to every bird of the heavens and everything that creeps on the earth, everything that is the breath of life, I have given every green plant for food. Main tujhe diya hai, tumko phoolna hai, phalna hai. Manushya ko bana kar wo kehta, apne swaroop ke anusar utpann kiya, aur Parameshwar ne kaha, 28वां वचन हम उसको पढ़ते हैं, उधर लिखा नहीं है, मैं फिर भी मैं पढ़ता हूँ, परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो, पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियां और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो, गॉड ब्लेस्ड देम एंड गॉड सेड टू देम बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई एंड फिल द अर्थ एंड सबड्यू इट एंड डोमिनियन ओवर द फिश ऑफ द सी एंड ओवर द बर्ड्स ऑफ द हेवंस एंड ओवर एवरी लिविंग थिंग दैट मूव्स ऑन द अर्थ, ये परमेश्वर का लक्ष्य है, प्रभु ने हमें नई रीति से सृजाया ताकि हम ना सिर्फ बढ़ते जाए, हम अधिकार पाते रहे, दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ अदर क्रिएशन बट ऑफ मैन हु वॉज क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड, हालेलुया, परमेश्वर के रूप सादृश्य में बनाया गया इंसान के विषय में उसका और एक उम्मीद है, वे सिर्फ फूलेंगे और फलेंगे नहीं, अच्छी अच्छी पीढ़ी को तैयार करेंगे उतना ही नहीं, वे अधिकार पाएंगे, हुक्म चलाएंगे सारे शक्तियों के ऊपर, सारी प्रभुता के ऊपर, ओवर ऑल प्रिंसिपैलिटीज एंड पावर्स, यू विल हैव डोमिनियन सेज द लॉर्ड, हालेलुया, हम दुश्मन के अधीन नहीं है, दुश्मन हमारे अधीन है, हम अंधकार की शक्तियों का खिलौना नहीं है, अंधकार की शक्तियां हमारे पैरों के नीचे दबा रहता है, हालेलुया, The powers of darkness are under our feet and we will no more be dancing to their tunes. Hallelujah. Andhagara shaktigalo, Satan's seneyo, namme adaki vaazhugilla, nam avare adaki vaazhum. Matta srishtigalodu parayathathu onnu devan nammodu kalpichu. അവൻ്റെ രൂപത്തിൽ നമ്മെ നാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരായതുകൊണ്ട്, അവൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ നാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരായതുകൊണ്ട് അവന് നമ്മെക്കുറിച്ച് വലിയ പ്രതീക്ഷകളുണ്ട്. അവൻ പറയുന്നു, നിങ്ങളെ പോലെയുള്ളവരെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, സഭയെ വളർത്തുക മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ അധികാരികളായി തീരും, നിങ്ങൾ ശത്രുവിനെ കീഴടക്കിക്കൊണ്ട് ദുഷ്ട അന്ധകാര ശക്തികളെ കാൽക്കീഴെ ചവിട്ടി മെതിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറുന്നവരായി തീരും.
ये परमेश्वर का लक्ष्य है। वे पृथ्वी के ऊपर न्याय किया गया हम जानते हैं, जल प्रलय के कारण पृथ्वी एक बार मिटाया गया, लेकिन वो जल प्रलय के बाद वो नूह को कहता, उल्पत्ति के नौ अध्याय में हमें पढ़ता, फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दिया और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ, तुम्हारा डर और भाई पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि के सब रंगीन वाले पशुओं जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा, सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। इवन आफ्टर डिस्ट्रॉइंग दिस वर्ल्ड वंस अगेन हिज पर्पस स्टैंड। पृथ्वी के ऊपर वो न्याय किया तो भी उसका उद्देश्य नहीं बदलता। नूहा तुम फूलो, तुम फलो, हुक्म चलाओ, अधिकार रखो, सारी सृष्टि तुम्हारा अधीन बने रहे, सारे शक्ति तुम्हारा अधीन बने रहे। He doesn't change his mind. He has not changed his mind concerning us. Even when we fell from grace, even when we drifted, he has not changed his mind concerning us. That is why he has brought us back. That is why he has restored everything. That is why he is in the business of recreating. Hallelujah. जब मैं पाप के कारण, जब मैं परमेश्वर को दुखी कर मैं भड़कता था, घूम गया था, तभी भी परमेश्वर ने उसको उद्देश्य को नहीं बदला। उसकी प्रतीक्षा अभी भी जिंदा है। वो मुझको दोबारा कहता तो फूलोगे फलोगे, इसके लिए उसने मुझे मेरा नया सृष्टि किया, इसीलिए उसने ताजगी से मुझको अभिषेक किया। वहां से बढ़ता है, परमेश्वर को उद्देश्य को आगे बढ़कर भी देखता है, ये जारी रहता है। समय बीतता, बात बदलता, लोग भड़कता, तो भी परमेश्वर को उद्देश्य नहीं बढ़क नहीं बदलता। हम 26वें अध्याय में पढ़ते हैं, उल्पत्ति का ही 26वें अध्याय का 4 से पढ़ता है, मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा। पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उससे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं विधियों और व्यवस्था का पालन किया। हे इसहाक तू डरो मत, तुम भी फूलोगे फलोगे बढ़ोगे, क्योंकि जो वायदा मैंने अब्राहम के साथ बांधी है, वाचा बांधी है, वो तेरे साथ भी बांधा रहेगा। The covenant that I made with Abraham, O Isaac, will be valid for you too. Cause he birthed such a son who will walk in my ways. Hallelujah. उसने ऐसा पीढ़ी को उत्पन्न किया है, अब्राहम ने ऐसा संतान को जन्माया है, इसहाक तू डरो मत, वही अनुग्रह वही आशीष तेरे ऊपर बने रहेगा। Because Abraham brought forth a son of promise, who would walk in his ways, who would please God, obey his commands. I will cause you to increase and to prosper. And you will be a blessing to generations to come. Hallelujah. Isuhake jan ninne vardhipikkum. Nee valarum. Nee parakkum. Ninmoolam. Lokathile sakala jathikalum anugrahikkapadum. Karanam. നിന്റെ അപ്പനോട് ഞാൻ വാക്തത്വം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിന്റെ അപ്പൻ അങ്ങനെ ഒരു സന്തതിയെ ജനിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട്, നീ എന്റെ വഴികളിൽ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട്, എന്നെ അനുസരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും, നീ മുഖാന്തരം ദേശത്തിൽ അനേക തലമുറകൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. തുഫുലോഗേ ഓർ ഫലോഗേ. ഹല്ലേലൂയ. ഉസ്കോ പ്രഭുനെ കഹാ താ അകാൽ ജരൂർ പഡാ ഹൈ, ബട്ട് യു വിൽ നോട്ട് ലീവ് ദിസ് പ്ലേസ്, യു വിൽ നോട്ട് സീക്ക് ഷെൽട്ടർ in Egypt. He obeyed it. And this is God's response to that obedience. Hallelujah. Hum aage badhte hain. Usi ka 35 mein hum padhte hain. 35 adhyay mein hum jaate hain. 35 adhyay mein shayad hum Yaakub ko dekhte hain. 35 ka 11 mein hum padhte hain. God said to him, I am God Almighty. Be fruitful and multiply. A nation and a company of nations will come from you. Kings shall come from your body.
The land that I give to Abraham and Isaac, I will give to you, and I will give the land to your offspring after you. Genesis 35:11 पढ़ा हमने, उल्पत्ति 35 का 11। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, तू फूले फले और बढ़े, और तुझसे एक जाति वरन जातियों की एक मंडली उत्पन्न हो जाएगी। तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, और जो देश में ने अब्राहम इसहाक को दिया है वही देश तुझे देता, तेरे पीछे तेरे वंश को भी दूंगा। Jacob had almost lost his way, but he returned at God's behest. Yaakov bhadakta tha, lekin parmeshwar ne usko sahi marg pe le aaya, unko Bethel ko bheja. Kahani hum jante hain, pichli twar ko bhi suna hai. Dobara Bethel ko kya, he made a new beginning there. He went back to Bethel. He regained his mission. He entered into such a new consecration and commitment to the Lord. Everything changed. The promise had not been withdrawn. Yaakov devatmavante kalpane anusarichu veendum Bethelilekku kadannu. Mudivanam avante kudumbathe shuddhikarichu. Pudhiya samarpanathilekku, oru pudhiya pratishthayile pratishthayilekku avanum kudumbavum kadannu vannappol devathinte nilanilkkunna vaagdhanathinte vajanangal നിശ്ചയമായി സമാധാന സംസാരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനങ്ങൾ അവന്റെ ചെവിയിൽ വീണ്ടും മുഴങ്ങി കേൾക്കുകയാ. അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹം, ഇസ്ഹാക്കിന്റെ അനുഗ്രഹം, യാക്കോബേ നിന്റെ മേൽ ഞാൻ വർഷിപ്പിക്കുകയാ, നീ അനുഗ്രഹ പാത്രമായി തീരുമെന്ന് മാത്രമല്ല അനേക രാജാക്കന്മാർ അനേക രാജ്യത്വങ്ങൾ നിന്നിൽ നിന്നുള്ളിലെടുക്കും. കിങ്സ് വിൽ ബി ബോൺ ആൻഡ് കിങ്ഡംസ് വിൽ ബി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഫ്രം യുവർ ഓഫ്സ്പ്രിംഗ് ആൻഡ് യു വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു ബി എ ബ്ലെസ്സിംഗ്. Thou shalt inherit everything that I had promised to thy father and thy father's father. Parameshwar ka uddeshya badalta nahi hai. His desires remain even when we wander. Hallelujah. He can hardly wait for us to return. Hum jab laut aayega uska baat jo utrata swarg. Hum nirgaman ka pustak ka pehla adhyay se Exodus chapter 1, 6 and 7 छः और सात हम पढ़ते हैं, यूसुफ और उसके सब भाई और उस पीढ़ी के सब लोग मर मिटे। Then Joseph died and all his brothers and all the generation. मिस्र देश में बड़े बड़े खुशी से रहते थे। यूसुफ था वहां, यूसुफ को जानने वाले फिरो लोग आए थे। There were pharaohs who knew Joseph. Now they are all no more. Even Joseph is dead and gone. और जोसेफ की पीढ़ी के सारे लोग खत्म हो चुके थे। बट देर इज ए बट देर, परंतु इसराइल की संतान फूलने फलने लगी और वे लोग अत्यंत सामर्थ्य बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। बट द पीपल ऑफ इसराइल वर फ्रूटफुल एंड इंक्रीज ग्रेटली, दे मल्टीप्लाइड एंड ग्रू एक्सीडिंगली स्ट्रॉन्ग so that the land was filled with them. Hallelujah. The great leaders have gone behind the curtain, but God made his people increase in strength and in number. Hallelujah. Prabhu unko badhaya, ve phulte gaye, phalte gaye, aur atyant samarthi bante gaye. They were endowed with such health that they could endure all this hardship and still be productive. Prabhu unko aisa samarth diya, shakti diya, aur uska ginti ko aise badhate gaya, pure desh mein bhar gaya wo. Hallelujah. Neta log khatam ho chuke the, प्राचीन लोग मर चुके थे, लेकिन प्रभु एक सेना को तैयार करता। भूख है, आमेन, बंधुआई में है। Though they were a famished lot, though they were in slavery, God was strengthening them from within. അവർ അടിമകളായിരുന്നിട്ടും അവർ വിശന്നിരുന്നിട്ടും ദൈവം അവരെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ബലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, അവരെ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു.
वहां से आगे बढ़ते हैं, हम लेवी व्यवस्था में जाते हैं, वी मूव ऑन टू द बुक ऑफ लेविटिकस एंड लुक इनटू द 25th चैप्टर। हम लेवी व्यवस्था के 25वां अध्याय में जाकर 19 से पढ़ते हैं। भूमि अपनी उपज उपजाया करेगी तो पेट भर खाया करोगे और उस देश में निडर बसे रहोगे। यदि तुम कहो कि सातवें वर्ष में हम क्या खाएंगे, ना तो हम बोएंगे ना अपने खेत की उपज इकट्ठा करेंगे, तो जानो कि मैं तुमको छठवें वर्ष में ऐसी आशीष दूंगा कि भूमि की उपज 3 वर्ष तक काम आएगी। तुम 8वें वर्ष में बोओगे, पुरानी उपज में से खाते रहोगे। 9वें वर्ष की उपज जब तक ना मिले तब तक तुम पुरानी उपज में से खाते रहोगे। 18 वचन से हम पढ़े तो therefore you shall do my statutes and keep my rules and perform them, then you will dwell in the land securely. The land will yield its fruit and you will eat your fill and dwell in it. मेरे विधियों को मानेगा, मेरे आज्ञा के अनुसार चलेगा तो तुम देश में निडर रहोगे। इतना ही नहीं, भूमि उपज देगा, बहुत फलवंद होगा वो, तुम पेट भर खाओगे और देश में निडर से बने रहोगे। Then the land will yield its fruit and you will eat your fill, dwell in it safely. लेकिन परमेश्वर ने उनको कहा था, सातवां साल में खेती नहीं करना, जमीन को ऐसा छोड़ना, जमीन को विश्राम चाहिए। तो उनके दिल में डर आता है, सातवां साल में हम खेती नहीं करोगे तो खाओगे क्या। सेवेंथ ईयर दे आर सपोज्ड टू लीव द लैंड आइडल, गिव इट अ रेस्ट। सो दे वर वंडरिंग व्हाट विल दे ईट ऑन द सेवेंथ ईयर व्हेन दे आर नॉट सोविंग एंड रीपिंग। God said, my blessings will be upon you so that the produce of the sixth year will be so much as to provide for the seventh and the eighth year. कहते छठवां साल में मैं तुमको ऐसा इतना उपज देगा, कठिन समय के लिए प्रभु सारे प्रबंध बनाया है। For the hard times, for a rainy day, God has already made provisions for you, dearly beloved. कठिन समय के लिए प्रभु ने सारे उपाय कर दिया है। हालेलुया, ജീവിതത്തിലെ അങ്ങനെയുള്ള സായാഹ്നത്തിനായി, അങ്ങനെയുള്ള മഴ ദിവസത്തിനായി, അങ്ങനെയുള്ള ക്ഷാമ ദിവസങ്ങൾക്കായി അവൻ കരുതിയിട്ടുണ്ട്. ആമേൻ. There'll be overflow from the previous years to meet every need of the seventh year and even the eighth year, the first half. कहते मैं ऐसा आशीष दूंगा छठवां साल में। हालेलुया, अकाल पड़ेगी तो क्या। आमेन, प्रबंध किया गया है, उपाय ढूंढ लिया हो। Heaven's provisions will far exceed the need, supply shall exceed the need and demand. Hallelujah. जितनी आवश्यकता है उसे बढ़कर दिया जाएगा। कहते तो डरो मत, डरो मत, कठिन समय से नहीं डरना। Be not be afraid of hard times. Hallelujah. God has made the provisions for you. तो फूलोगे फलोगे, 8वें वर्ष में भी तुम खाओगे, पुरानी उपज में से तुम खाते रहोगे, नए वर्ष की उपज जब तक नहीं काटा जाएगा तब तक संभाला जाएगा। आमेन। बिफोर इनफ प्रोविजन स्टार्ट कमिंग फ्रॉम अदर सोर्सेस, दीज सोर्सेस ऑफ दाइन विल नॉट गो ड्राई। आमेन। മറ്റു മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അനുഗ്രഹം വരുന്നത് വരെ എന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഉറവകൾ വറ്റിപ്പോകുകയില്ല. എനിക്ക് വേണ്ടി മറ്റ് സഹായഹസ്തങ്ങൾ നീട്ടപ്പെടുന്നത് വരെ ഞാൻ ഒരിക്കലും വിശന്ന് പൊരിയുകയില്ല. സഹായകഹസ്ത ബടാ നീ ജാത്ത മേരെ സന്താൻ തയ്യാർ നീ കിയ ജാത്ത തക് മേ ഭൂഖാ നഹീ മരുംഗാ. ഹല്ലേലൂയ, പ്രഭുക്ക് വായ്ദാ ഹൈ. प्रभु कहता है तू फूलोगे फलोगे, सिर्फ मेरी व्यवस्था का आचार करना, मेरे वचन के अनुसार चलना। पद चिन्ह मैंने रखा है, वो पद चिन्हों में चलते रहोगे तो फूलोगे और फलोगे।
हम उसी का 26 से एक दो वचन पढ़ता, 26वें अध्याय का 14 पढ़ता, फोर्थ वर्स ऑफ 26, 20 वर्ष के और उससे अधिक आयु के लोगों की गिनती लो, सॉरी मैं कहां गया, जी लेवी व्यवस्था में जाना, लेवी व्यवस्था का 26 का 30 में जाना, लेवी व्यवस्था 30वां अध्याय, 30 है क्या लेवी व्यवस्था में, नहीं है, मैंने कुछ तो गलत लिखा है वो। हम आगे बढ़ते हैं, हम यशायाह में जाते हैं, वो एक्सेलेंस का शायद है, उधर एक ब्रैकेट डालने का मैं भूल गया, हम सीधा जाते हैं, हम यशायाह भविष्यद्वक्ता का पुस्तक में जाते हैं, व्यवस्था विवरण 30 पढ़ना है, एक मिनट देखने, ठीक है हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण का 30वां अध्याय का 6 से पढ़ते हैं। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम करो जिससे तू जीवित रहे। प्रभु कहता मैं तुम्हारा हृदय का खतना करेगा। पिछले दिन हमने देखा कि यहोशू ने खतना कराया था, वही परछाई रहा, परमेश्वर यहोवा कहता अब मैं तेरा हृदय का खतना करूंगा। द फिजिकल सर्कमसिशन वॉज बट ए शैडो, बट नाउ गॉड विल सर्कमसाइज योर हार्ट एंड द हार्ट ऑफ योर चिल्ड्रन सो दैट यू विल लव द लॉर्ड योर गॉड विद ऑल योर हार्ट एंड विद ऑल योर सोल दैट यू मे लिव। सारे प्राण के साथ परमेश्वर से प्रेम करोगे, सारे मन से प्रेम करोगे तो तू जीवित रहे। तेरा परमेश्वर यहोवा ये सब श्राप की बात है तेरे शत्रुओं पर जो तुझसे बाहर करके तेरे पीछे पड़ेंगे भेजेगा, और तू फिरेगा और यहोवा की सुनेगा और इन सब आज्ञाओं को मानेगा जो मैं आज तुमको सुनाता, और यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में और तेरी संतान और पशुओं के बच्चे और भूमि के उपज में तेरी बढ़ती करेगी। जब परमेश्वर की ओर से हमारे हृदय का कतना किया जाएगा, हम परमेश्वर से सब प्रेम करेगा, परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार चलेगा, तो परमेश्वर का क्रोध और शाप हमारे ऊपर से हटाया जाएगा। और कहते यहोवा तेरी भलाई के लिए द लॉर्ड योर गॉड विल मेक यू अबंडेंटली प्रॉस्परस इन ऑल द वर्क ऑफ योर हैंड, सारे तुम्हारे हाथ के कामों में तो प्रगति पाओगे, हालेलुया, सब काम में तो प्रगति पाओगे, उन्नति पाओगे, और तेरी संतान इवन योर चिल्ड्रन विल प्रॉस्पर एंड दे विल इंक्रीज। इतना ही नहीं, ऑल योर कैटल तेरे पशुओं के बच्चे और भूमि के उपज में तेरी बढ़ती करेगा। यहोवा फिर से ऊपर भलाई के लिए वैसा ही आनंद करेगा जैसा उसने तेरे पूर्वजों के ऊपर किया था। He will make you abundantly prosperous in all the work of your hand, in the fruit of your womb and in the fruit of your cattle and in the fruit of your ground, for the Lord will once again take delight in prospering you as he took delight in your fathers. Jaise Abraham Isaac aur Jacob ke sath vacha band kar bahut khush hokar usko unnati diya, usko paranigrah barsaya, waise jab tu lautata tere hriday ka katna kiya jata aur mere rahon mein chal kar mujhse aisa prem karta to तू तेरे सारे हाथ के कामों में प्रगति पाएगा। यू शैल बी सक्सेसफुल, यू शैल प्रॉस्पर इन एवरीथिंग दैट यू डू, एंड योर चिल्ड्रन विल प्रॉस्पर टू, हालेलुया। इतना ही नहीं, तुम्हारे सारे जानवर भी अधिक से अधिक बढ़ते जाएंगे, ये परमेश्वर का कहना है। परमेश्वर हमारे हृदय का कतना किया है, इसलिए हम परमेश्वर से ऐसा प्रीति रखेंगे, परमेश्वर के पद चिन्हों में चलते रहेंगे और ये आशीष के ऊपर आशीष पाते रहेंगे, हम फूलेंगे फलेंगे बढ़ते रहेंगे परमेश्वर के वायदा के अनुसार। हम
इशिया भविष्यद्वक्ता के पुस्तक में जाते हैं, 30 अध्याय से पढ़ते हैं। अभी हमें शीघ्र गति से पढ़ के जाना है, क्योंकि कुछ कुछ चीज हमें लगेगा कि वो दोहराता है, लेकिन ये अलग अलग पीढ़ी में अलग अलग अवस्था में परमेश्वर कहता मेरे उद्देश्य से मैं पीछे नहीं हट गया। अब ये लोग सब कुछ मिटाया, नष्ट कर दिया, तो भी भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा हर भविष्यद्वक्ता का मुंह से प्रभु ये बात अलग अलग पीढ़ी के लिए सुनाना चाहता। 30 अध्याय से हम पढ़ते हैं, 20 से पढ़ते हैं, ऐसा यशया 30 अध्याय हम 20वां वचन से पढ़ते हैं। चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे, तभी तुम्हारे उपदेशक फिर न छिपे, और तुम अपनी आंखों से अपने उपदेशकों को देखते रहोगे। जब कभी तो दाहिनी या बाई ओर मुड़ने लगे तो तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। तब तुम वो चांदी जिससे तुम्हारी कूदी हुई मूर्तियां मुड़ी है, और वो सोना जिससे तुम्हारा डली हुई मूर्तियां आभूषित है अशुद्ध करोगे, तो उनको मैले कुचेल वस्त्र के समान फेंक दोगे और कहो दूर हो, वो तुम्हारे लिए जल बरसाएगा कि तुम खेत में बीज बो सको, और भूमि की उपज भी उत्तम और बहुतायत से होगी। उस समय तुम्हारे जानवरों को लंबी चौड़ी चराई मिलेगी, और बैल और गद्दे को गद्दे जो तुम्हारे खेती के में काम करेंगे, वे सूप और डालिया से फटका हुआ स्वादिष्ट चारा खाएंगे। The Lord give you the bread of adversity and the water of affliction, yet your teacher will not hide himself anymore, but your eyes shall see your teacher. अब ये हमारा उपदेशक जिन्हें जमाने के समय में नहीं है, समय की तरह नहीं है, वो कहता है तुम्हारे भीतर बने रहेगा। या टीचर या काउंसलर विल बी विद इन यू इवन वेन यू गो थ्रू सच हार्ड पैचेस, डेज ऑफ अफ्लिक्शन, इवन वेन यू फेल टू सी द ग्लोरी ऑफ माई फेस, फिर भी पवित्र आत्मा तुम्हारे हृदय के भीतर है। आमेन। और तू अपने आप को शुद्ध करोगे, सारे मूर्ति को उठाकर फेंकोगे और उसे ऋणा करोगे, तो दोबारा पवित्र आत्मा तुम्हें अगुवाई देगा और दिखाएगा जिस मार्ग से मोड़ना है, तुमने गलत मार्ग को अपनाया है, उसे फेर कराओ, लौट कराओ, क्योंकि अगुआ है, जिंदा है, साथ में है, योर काउंसलर योर गाइड इज स्टिल विथ यू, दो यू हैव ड्रिफ्टेड कम बैक माई चाइल्ड, कम बैक, I will show you which way to turn. I will guide you. നീ തിരിച്ചു വരേണം. നിന്റെ ഉപദേശകൻ നിന്റെ അകത്തിരിപ്പുണ്ട്. അവനെ നീ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത്. നീ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ വീണ്ടും നീ ഏത് മാർഗം തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന്, വലത്തോട്ടോ ഇടത്തോട്ടോ തിരിയണമെന്ന് അവൻ കാണിച്ചു തരും. ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ വിഗ്രഹങ്ങളെ എറിഞ്ഞു കളക, നിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ അശുദ്ധികളെ മാറ്റിക്കളക. യാക്കോബ് വീണ്ടും ബേഥേലിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയപ്പോൾ ചെയ്തതുപോലെ तब तुम्हारे लिए जल बरसाया जाएगा, दोबारा खेती होगी, दोबारा उपज पाओगे जमीन से। वंस अगेन योर ग्राउंड विल बी फर्टाइल एंड योर ट्रीज विल बेयर मच फ्रूट एंड योर प्रोड्यूस विल बी प्लेंटियस एंड रिच एंड in plenitude. In that day your livestock will graze in large pastures. इतना ही नहीं है, स्वर्गीय भोजन अत्युत्तम आहार खिलाया जाएगा, सिर्फ तू नहीं खाओगे, तुम्हारा जानवर भी खाओगे, जो भी तुम्हारे हाथ के नीचे वो लोग खाएंगे, और जो लोग तेरे पास आएंगे वो लोग खाएंगे, जो लोग तेरे सेवा करेंगे वो भी खाएंगे, तो स्वर्गीय भोजन खाएगा, हमें तू आनंदित हो जाएगा, दोबारा तो अनेकों के लिए बांटेगा, यू विल बी अ सप्लायर ऑफ ब्लेसिंग्स, hallelujah, you will feed others, not only your family and your congregation, but even those who work for you, who will help you in one way or the other, even they will be blessed richly and abundantly. Wo sundar baat hai.